सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में आ गया है सी नारायण लेकर दिन विशेष आज के 12 सितंबर के। जी हाँ बहनों भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का सुविचार और आज का सवाल, जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC YouTube चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें ये रहे सबसे पहले दो सुविचार, छोटे छोटे सुविचार। पहला सुविचार ये है कि ये जिंदगी आपकी है तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जी हाँ बहनों भाइयों, ये जिंदगी आपकी है तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। दूसरा सुविचार, अगर पीछे मुड़ मुड़ कर जिंदगी को देखोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। जी हाँ बहनों भाइयों, जी हाँ, अगर पीछे मुड़ मुड़ कर जिंदगी को देखोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। जी हाँ, तो ये है अमूल्य सुविचार। अब आज का सवाल, सवाल यह है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है भाई जिसमें सिर्फ दो जिले हैं। तो दो जिलों वाला ये राज्य कौन सा है, आसान सवाल है और इसका आसान जवाब भी है। तो चलिए बहनों भाइयों, आवाज़ की थोड़ी खराबी होने के कारण आवाज़ की ओर ध्यान ना दें, अपने इस जनरल नॉलेज दिन विशेष की ओर ध्यान दीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। तो आज का दिन ग्रैंड पेरेंट्स डे है, ग्रैंड पेरेंट्स डे, और आज विश्व दक्षिण सहयोग दिन भी है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय रहे, शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं भाई आज के दिन विशेष जो है 12 सितंबर के। और 12 सितंबर की ये रही कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ। सन 1666 में शिवाजी महाराज आगरा से निकल कर राजगढ़ सुरक्षित पहुँचे। 1897 में कैलिफोर्निया में गोल्ड रश में मिला 13 से 15 टन तक का ये सोना ले जाने वाला जहाज, जिसका नाम था SS सेंट्रल अमेरिका, 426 यात्रियों के सहित डूब गया। 1919 में एडॉल्फ हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी में प्रवेश किया। 1930 में विल्फ्रेड रूड्स, इन्होंने अपने जीवन का 110वां क्रिकेट मैच खेला और ये मैच अंतिम मैच रहा। 1948 में भारतीय सैनिकों ने हैदराबाद संस्थान में घुसपैठ की और हैदराबाद मुक्ति संग्राम को पुलिस एक्शन कहा जाता है। 1959 में ल्यूना 2 ये मानव रहित रशियन अंतरालयान चांद पर उतरा। 1980 में भाई क्या हुआ, तुर्कस्तान में लश्करी उठाव हुआ। 1998 में डॉक्टर जयंत नार्लिकर खगोल शास्त्री हैं, इनको पुणे का पुण्यभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2002 में मैटसेट इस भारतीय उपग्रह का सफल प्रक्षेपण हुआ। 2005 में हांगकांग में डिज्नीलैंड का प्रारंभ हुआ। 1786 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधिकारी लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने। 1873 में टाइपराइटर पहली बार ग्राहकों के लिए बेचने के हेतु उपलब्ध हुआ। 1966 में भारतीय जलतरण खिलाड़ी मिहिर सिंह, इन्होंने डार्डानेल्स ये चैनल पार की। सन 1398 में तैमूरलंग सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। 1635 में स्वीडन और पोलैंड ने संघर्ष विराम
संधि पर हस्ताक्षर किए। 1953 में अमेरिका के 35वें राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने जैकलिन बूविए इनसे शादी की। जैकलिन बूविए 1968 अल्बानिया ने खुद को वारसा संधि से अलग होने की घोषणा की। 1990 में पूर्व और पश्चिमी जर्मनी को एकीकृत करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी, इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1991 में अंतरिक्ष शटल STS-48 डिस्कवरी 14 का प्रक्षेपण हुआ। 1997 में 43.5 करोड़ मील लंबी यात्रा के बाद मार्स ग्लोबल सर्वेयर यान मंगल की कक्षा में पहुंचा, यानी मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। 1998 में क्वालालंपुर में 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ हुआ। 2000 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था। 2007 में रूस ने नॉन न्यूक्लियर वैक्यूम बम यानी इको फ्रेंडली बम का परीक्षण किया। 2008 में सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने अपना नॉन बैंकिंग वित्तीय कारोबार बंद किया। 2009 में भारतीय महिला टीम विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आखिरी दौर में अमेरिका को 3-1 से हराकर 7वें स्थान पर रही। 1992 में मामोरू मोहरी अमरीकी स्पेस शिप में उड्डान करने वाले पहले जापानी नागरिक रहे। 1992 में कैरोल जेमिसन, ये महिला का नाम है कैरोल जेमिसन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अफ्रीकी अमरीकी महिला बनी। 2013 में वायोजर ए प्रॉब, ये नासा का अंतर्तारकीय अवकाश में प्रवेश करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु रही या चीज रही। तो ये हुए भाई आज की ऐतिहासिक घटनाएं जो है 12 सितंबर की। अब आज के यानी 12 सितंबर के जन्मदिन, फ्रांसिस पहला 1494, गैटलिन गन के शोधक रिचर्ड जॉर्डन गैटलिन 1818, विश्व प्रसिद्ध बंगाली साहित्यिक जिनका नाम है विभूति भूषण बंडोपाध्याय 1894, नोबेल पारितोषिक विजेता फ्रेंच भौतिक शास्त्रज्ञ आयरीन क्यूरी 1897, इंदिरा गांधी जी के पति महाराज, पत्रकार पॉलिटिशियन फिरोज गांधी 1912, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी मैक्स वॉकर 1948, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी नेथन ब्रैकेन 1977, मलयाली कवि साहित्यिक समीक्षक और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अय्यप्पा पानीकर 1930, भारतीय अमेरिकन संगणक वैज्ञानिक प्राध्यापक मधुसूदन 1966, अभिनेत्री प्राची देसाई 1988, अभिनेत्री रसिका जोशी 1972, पंडित जसराज जी की कन्या अभिनेत्री शास्त्रीय गायिका दुर्गा जसराज 1966, पॉलिटिशियन नीलम गोरे 1954, पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी वॉकर हसन 1932, महिला क्रिकेट खिलाड़ी अमिता शर्मा 1982, एक और महिला क्रिकेट खिलाड़ी मनप्रीत जुनेजा 1990, विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी तेजस्विनी सावंत 1980, अभिनेत्री आमला अक्कीनेनी
1967 अभिनेता गौतम कार्तिक 1989 सिंगर रोशन प्रिंस 1981 सितार वादक पूर्वायन चटर्जी 1976 क्रिकेट खिलाड़ी ध्रुव पटेल 1997। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो है 12 सितंबर के ऑस्ट्रेलिया के चौथे प्रधानमंत्री जॉर्ज रीड 1918 मराठी साहित्य संशोधक ग्रंथकार विनायक लक्ष्मण भावे 1926 शास्त्रीय गायक रामचंद्र कुंदगोलकर तथा सवाई गंधर्व 1952 संगीतकार शंकर जयकिशन जोड़ी के जयकिशन दयाभाई पांचाल 1971 नाट्य चित्र अभिनेता सतीश दुभाषी 1980 शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर 1992 अमरीकी अभिनेता रेमंड बर 1993 संगीत नाट्य सृष्टि के एक गायक पंडित कृष्णराव चोणकर 1996 नाट्य चित्र अभिनेत्री पद्मा चौहान 1996 पुर्तगाल का राजा अफोंसो छठवा 1683 रचनाकार रांगेय राघव 1962 और गायक अभिनेता लेखक रंजन 1983। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही दिन विशेष तो हो गए खत्म, लेकिन सवाल का जवाब है बाकी। तो सवाल साधा सा है, सीधा सा है, जवाब भी उसका सीधा है। सवाल क्या है? सवाल था, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सिर्फ और सिर्फ दो जिले हैं? तो जवाब है गोवा। जी हाँ, गए थे ना कभी गोवा, तो गोवा ये इसका नाम है, इसका जवाब है। गोवा में सिर्फ दो ही जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, ये जिले हैं। जिले के नाम उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। कुल मिलाकर हमारे भारत में 28 राज्य हैं, जिनमें से सबसे कम जिले वाला ये राज्य है। क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो दक्षिणी गोवा सबसे बड़ा है, और दक्षिणी गोवा ये जिला, और जनसंख्या के अनुसार अगर देखें तो उत्तरी गोवा ये जिला सबसे बड़ा है। उत्तरी गोवा यहाँ इसका मुख्यालय पणजी में है, तो दक्षिणी गोवा का मुख्यालय मडगांव में है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा। तो कैसी रही आज की जानकारी, आज के दिन विशेष? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों, और चैनल अगर पसंद आए तो चैनल को, अब यहाँ पर नए हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, इस उम्मीद के साथ भाई अब लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री नारायण को दीजिएगा आज्ञा नमस्कार।